हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ डिस्कशन में जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे आया है सीबीडी के बारे में। तो हम देखते हैं कि सीबीडी है क्या और इसके बारे में सारे फैक्ट्स हैं उनको हम एक एक करके क्लियर करते हैं। सीबीडी का मतलब है यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब सीबीडी के बारे में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यह लीगली बाइंडिंग है। यह ध्यान रखना है कि ये जो कन्वेंशन है वो लीगली बाइंडिंग है। जिस कंट्रीज ने भी इसको रेक्टिफाई है वो किया है। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि सीबीडी की स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई थी, ताकि हमारे कुछ बेसिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो, हम बात करें, अर्थ सबमिट हुआ था आपको पता 1992 में, और उस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकली थी। मतलब काफ़ी सारे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे कि सीबीडी आया था, यूएनएफसीसीसी आया था, एजेंडा 21 आया था, इस तरीके के अलग अलग कॉन्फ्रेंस हैं, अलग अलग एग्रीमेंट्स वगैरह सामने आए थे, और उन्हीं का एक अहम हिस्सा था सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो सीबीडी थी ये आई थी बेसिकली हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करने के लिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम जो इस जानवरों की स्पीसीज हैं, एनिमल हो से जानवरों की, उस भी आप इंक्लूड कर सकते हो, प्लांट भी यहाँ पे, कि उनकी स्पीसीज है वो खत्म हो जाए, मतलब उनकी वेराइटीज़ है वो खत्म हो जाए। अब हम बात करें सीबीडी के बारे में, तो यह आई थी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ आप देख सकते हो। और जो हम बात करें क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, तो उसके लिए आई थी यहाँ पे यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए आया था एजेंडा 21। तो यह ध्यान रखना है कि अर्थ सबमिट में 3 चीज़ें बाहर निकली थी, एक तो था सीबीडी, दूसरा था यूएनएफसीसीसी और तीसरा था एजेंडा 21। अब हम बात करें सीबीडी की, तो सीबीडी के अंदर भी 3 तरह के मतलब पार्ट्स थे, आप बोल सकते हो कि इसके भी तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक तो था आची टारगेट्स, दूसरा था इसमें कार्टिजिना प्रोटोकॉल जो कि बायोसेफ्टी के लिए था, और एक था इसमें नगोया प्रोटोकॉल जो था जेनेटिक्स रिसोर्स के बारे में। अब हम बात करें यहाँ पे यूएनएफसीसी, तो यूएनएफसीसी में 2 चीज़ें थी, क्योटो प्रोटोकॉल और कोपेनहेगन अकॉर्ड, और उसी के साथ एजेंडा 21 में आया था रियो+20। तो ये कुछ तो बेसिक बेसिक हमने थोड़ा मोटा मोटा एक बार हमने आइडिया देख लिया यहाँ पे कि एस स्पीड में क्या क्या तो हुआ था और क्या क्या रिजल्ट सामने आया था। अब हम चलते हैं यहाँ पे सीबीडी की तरफ। तो सीबीडी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, वो सीबीडी है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए मल्टीलेटरल ट्रीटी थी। ये हमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आता है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1992 में जो अर्थ सबमिट हुआ था रियो डे जेनेरियो में, वहाँ पे इसको एक तरीके से एडोप्ट करने की बात की गई थी, और जो रियल फॉर्म में आई थी वो आई थी 1993 में। अब सीबीडी के 3 गोल थे, वो तीनों गोल ही आपको ध्यान रखना है, एक तो था कंजर्वेशन, दूसरा था सस्टेनेबल यूज और तीसरा था फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो यह ध्यान रखना है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, उसको कंजर्व करना है, उसको सस्टेन ढंग से यूज करना है, और इसी के साथ उसके जो बेनिफिट हैं उनको मतलब सबके साथ शेयर करते हुए यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन बोल दें कि नहीं भाई इस पे तो मेरा ही अधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट हम गोल्स थे, तो वो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं आगे। देखो, न्यूज़ में यह इसलिए आई थी कि इंडिया ने अभी सीबीडी के लिए जो वादे किए थे कि भी हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, वो इंडिया ने उसको लेके अभी अपनी रिपोर्ट है वो पब्लिश की है, तो उसको लेके भी सीबीडी न्यूज़ में थी फिलहाल कुछ दिनों से। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यूनाइटेड नेशन कंट्रीज के जो मेंबर हैं, यूएन को छोड़ के बाकी सभी इसके मेंबर हैं, यह ध्यान रखना कि यूएन ने इसको अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया है, मतलब यूएसए ने इसको अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया है। इसके साथ ही हम बात करें 2010 में, देखो 2010 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया कि 1992 में अर्थ सबमिट हुआ, तो वहाँ पे सीबीडी निकला, यूएनएफसीसीसी निकला और एजेंडा 21, 3 चीज़ें बाहर आई मेनली। और इसी के साथ आपको पता है कि हर साल ओबियसली अगर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ है, तो हर साल ऑब्वियसली मीटिंग तो होनी होनी है। तो उसकी जो 10वीं कॉन्फ्रेंस थी जो कि हुई थी 2010 में, उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या हुआ था, नगोया प्रोटोकॉल सामने आया था। और नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था, जो जापान के अंदर नगोया नाम की एक जगह है, वहाँ पे बेसिकली 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी और उसी के तहत नगोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो, नगोया प्रोटोकॉल होता है और एक कार्टिजिना प्रोटोकॉल, इन दोनों को हम यहाँ पे थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रीलिम्स के नज़रिए से और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है हो जाती है। अब एक बात थोड़ा देखते हैं हम यहाँ पे कार्टिजिना प्रोटोकॉल के बारे में भी। कार्टिजिना जो प्रोटोकॉल है वो था बायोसेफ्टी के लिए, और कन्वेंशन किस लिए थी है? कि भाई बायोसेफ्टी है, इसको प्रमोट करना है, और एक तरीके अभी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसका मेन मोटो ये था कि जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें होगी, जैसे कि आप प्लांट हो, एनिमल की कोई भी स्पीसीज हो, अगर आप इनका ट्रेड वगैरह कर रहे हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इनको शिफ्ट कर रहे हो, भेज रहे हो, तो ऐसा नहीं हो कि भाई उनकी स्पीसीज वो पूरे तरीके से लुप्त हो जाएं, हमें उनको भी कंजर्व करना है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो,
कि मतलब कोई पेड़ की ऐसी किस्म है जो केवल इंडिया में ही पाई जाती है, और आप फिर उसको जानबूझ के उसकी संख्या एक तो वैसे ही बहुत कम है और उसके बाद आप उसको यूएसए में या फिर दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे ख़त्म हो सकती है या फिर उसका नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आया था कार्टिजना प्रोटोकॉल। अब आपके दिमाग में आएगा भाई नगोया प्रोटोकॉल किस लिए था? देखो नगोया प्रोटोकॉल को आप ऐसे याद कर सकते हो, नगोया मतलब नेगोशिएशन से, कि यहाँ पे नेगोशिएशन किया जा रहा है। जैसे कि ये मान लो कि बाहर की कोई भी कंपनी है या इंडिया की कोई भी कंपनी ले लो, ये मान लो कि कोई एरिया, जैसे हम एग्जांपल लें कि जम्मू एंड कश्मीर का ये कोई यहाँ पे फॉरेस्ट है और यहाँ पे कोई भी कंपनी है किसी भी ने भी आके यहाँ पे रिसर्च की और यहाँ के जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं, ध्यान रखना इस फॉरेस्ट के जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं उसका बेनिफिट बाहर की कंपनी उठा रही है, तो ये गलत है। इसका मतलब भी है कि भाई नगोया प्रोटोकॉल का कि भाई जो बाहरी कंपनी इसका लाभ उठा रही है ना, वो अकेला लाभ नहीं उठेगी, यहाँ के जो लोकल पर्सनस है ना, जहाँ पे ट्राइब्स वगैरह रहती हैं, जो नियर बाई पर्सनस हैं, उनको भी इसका बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, नगोया प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि हमें एक नेगोशिएशन करनी एक तरीके से कि भाई हम सब लोग मिलजुल के इसका यूज है, यहाँ के रिसोर्स का वो करेंगे, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर पर्सन ही उस बायोडाइवर्सिटी का यूज है वो करें। तो वो थे नगोया प्रोटोकॉल। कार्टिजना प्रोटोकॉल से मैंने आपको बताया कि कोई भी स्पेसीज है उसकी जो मतलब पॉपुलेशन है, कुछ भी संख्या है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट वगैरह में खत्म हो सकती है तो उसको कंजर्व करने के लिए थी, तो यह ध्यान में रखना है। अब हम बात करें यहाँ पे कार्टिजना प्रोटोकॉल, तो कार्टिजना प्रोटोकॉल आया था 2000 में, यह ध्यान रखना है। यूपीएससी इनकी सीक्वेंस भी पूछ सकती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ था, एड सबमिट। एड सबमिट में तीन चीजें बाहर आई थी, यूएनएफसीसी, सीबीडी, और इसी के साथ एक क्या था, एजेंडा 21। और अब हम बात करें सीबीडी की, तो सीबीडी के अंदर क्या है, दो चीजें हैं, एक तो सॉरी तीन चीजें हैं मेनली, एक तो यहाँ पे हो गया कार्टिजना प्रोटोकॉल, दूसरा नगोया प्रोटोकॉल, और एक हो गया आरची टारगेट्स। देखो आरची टारगेट में ऐसे अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिनमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि मरीन प्रोडक्ट हैं इनको हमें ऐसे प्रोटेक्ट करना है, इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। तो उतना डीपली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें यह बताना चाहिए कि कार्टिजना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या है। और सबसे पहले इनमें से आया था कार्टिजना प्रोटोकॉल जो आया था 2000 के टाइम पे, और 2003 में एक्टिव फॉर्म में आया था, इसे रेक्टिफाई किया गया था। और जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नगोया प्रोटोकॉल की, यह आया था 2010 में। तो ये बेसिक फैक्ट्स थे आके जो हमने कवर किए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है आरबीआई के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि आरबीआई ने जो एमएसएमई सेक्टर के जो लोन है ना, इनको रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति है वो दी है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड आता है इकोनॉमी का, वो है रिस्ट्रक्चर। अब आपके दिमाग में आ गया कि रिस्ट्रक्चरिंग लोन का मतलब क्या हुआ। देखो आपको पता है कि हमारे देश में एनपी की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी। अभी जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें पता चला कि जो एनपी है वो कुछ कम हुआ है। पहले एनपीए था वो 11 से भी ज़्यादा था, और अभी जो एनपीए 11% से कम होते हुए 10.8 के आसपास आ गया है। और उसमें ये रिपोर्ट में सामने आया कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, उसमें ये फैक्ट भी सामने पता चला कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनका एनपीए की हालत थोड़ी ज़्यादा सुधरी है, गवर्नमेंट वालों की हालत थोड़ी ज़्यादा खस्ताहाल अभी भी बनी हुई है। रिस्ट्रक्चरिंग लोन का मतलब है कि जैसे ये मान लो कि आरबीआई ने किसी को, आरबीआई तो सिर्फ लोन नहीं देगा ऑब्वियसली किसी संस्था को, जैसे मान लो कि एसबीआई का एग्जाम्पल ले लो, एसबीआई ने किसी भी एमएसएमई सेक्टर को लोन दिया, ये मान लो 50 करोड़ रुपए का। अब जो कंपनी या जिस स्टार्टअप ने एसबीआई से पैसा लिया था लोन के फॉर्म में, वो उसको चुका नहीं पा रही, जैसे मान लो कि उसने किस्त बनाई थी हर महीने की 1-1 करोड़ रुपए की, और वो उस लोन को चुका नहीं पा रही है। तो रिस्ट्रक्चर लोन का मतलब क्या है कि वापस से उसका सेटलमेंट किया जाएगा, वापस से उसकी किस्तें बनाई जाएंगी, ईएमआई बनाई जाएंगी, कि हाँ भाई ठीक है आप 1-1 करोड़ का नहीं बना पा रहे हो तो 50-50 लाख रुपए की किस्त वो बना दीजिए। तो मतलब लोन को वापस से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, वो होता है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। तो इसका फायदा क्या होता है, कई बार जो लोन नहीं चुका पाती हैं संस्थाएं, रियल मतलब उनके जेन्यून रीजन्स होते हैं, उस कंडीशन में वो रिस्ट्रक्चर के लोन को करवाती हैं, या गवर्नमेंट उनके लोनों को रिस्ट्रक्चर कहती है बैंक वगैरह, तो वो आसानी से अपने लोन्स वगैरह को चुका सकते हैं। तो इसलिए आरबीआई ने भी प्रपोजल दिया है कि भाई हमारे देश में जो एमएसएमई सेक्टर ने लोन लिया है इसको हम रिस्ट्रक्चर है वो कर देते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है वो आरबीआई ने जारी की है, किस लिए, एमएसएमई सेक्टर यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक बार है वो लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, अगर वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं असमर्थ है। तो रीज़न क्या है, इसके रीज़न ये है देखो कि 2016-17 के टाइम पर जो आपको डीमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट रहा था, मार्केट में भी थोड़ी मंदी रही थी, कंपनीज के पास अच्छा खासा रिटर्न नहीं था, तो उस कंडीशन में उनको काफ़ी सारा लॉस हो गया है। तो आरबीआई ने उनको एक मौका देने की बात कही कि भाई जीएसटी भी इंप्लीमेंट हुआ तो आपको काफ़ी सारी दिक्कत हुई है, तो इसलिए हम एक बार आपके लोन को
रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ये नहीं है कि बार बार कि इस बार भी नहीं हुआ तो वापस रिस्ट्रक्चर करें, एक बार उनको मौका दिया जा रहा है कि आप लोन को रिस्ट्रक्चर है वो क्या जाएगा। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे अकेले सारी पावर बैंक के पास या एमएसएमई सेक्टर के पास ही नहीं होंगी कि वो कहेगा कि हाँ भाई मेरी किस्त तो आप इतनी की बना दो। वो जो बैंक है जिसने लोन दिया, जैसे एस बी आई ने यहाँ पे लोन दिया एग्जाम्पल में, तो एस बी आई वो डिसाइड करेगा आपस में बातचीत के थ्रू कि भाई जो लोन रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है वो किस रेट पे या किस अमाउंट पे किया जाएगा। तो ये छोटा सा प्रपोजल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है नालसा के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि जो प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने अभी जस्टिस ए के सीकरी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। तो यह ध्यान में रखना है, जो कि अभी रिप्लेस करेंगे जस्टिस मदन बी लोगोर को। ये आया था कंटेक्स्ट। अब हम यहाँ पे चलते हैं नालसा के बारे में। देखो नालसा वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि 1987 में बनाई गई थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत। तो यह ध्यान में रखना है, इसका काम ये है कि लोगों को फ्री में लीगल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराना है वीकर सेक्शन को। देखो आपको पता है कि कोर्ट कचहरी में जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो तो अपने जो भी उनको फ्री ट्रेनिंग स्किल वगैरह वो चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ से कि हाँ भाई ठीक है पैसे हैं तो वो वकील वगैरह को हायर कर लेते हैं, जज वगैरह को, और अपना काम कर लेते हैं। बट हमारी सोसाइटी में काफ़ी जो लोअर तबका है जिनके पास इतने पैसे नहीं और उनको सच में ही काफ़ी लीगल सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में वो लोग क्या करें। और आपको पता है कि इसके लिए हमारे देश में बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A बनाया गया है जिसका प्रावधान यही किया गया है कि लोगों को फ्री में लीगल और सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से सोसाइटी को, ताकि जस्टिस से न्याय को प्रमोट किया जा सके। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास पैसा हो वही केवल जस्टिस प्राप्त कर सकें, बाकी लोग जस्टिस है वो ना प्राप्त करें। इसीलिए आर्टिकल 39 को फुलफिल करते हुए, तो यहाँ पे तो ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 39 है क्या, उसको फुलफिल कर रहा है नालसा, और इसलिए फ्री में लीगल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब देखो नालसा करती क्या है, ये एक तो लोकल अदालत है, सॉरी जो लोक अदालतें हैं वो आयोजित करवाती है। लोक अदालतें हैं, इनका काम क्या होता है कि आपस में एक तरीके से मान लो कि एक तरीके के पंच सरपंच वगैरह हैं वो आप एक तरीके से मीटिंग करके आपस में मुकदमों को सेटलमेंट करवाते हैं, उसी तरीके से लोक अदालतें होते हैं इनमें भी मामला है वो सेटलमेंट करवाया जाता है। बट यहाँ पे सरपंच वगैरह नहीं होते, यहाँ पे बाकी जो जज वगैरह होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसी के साथ ही इसमें और काम क्या है, इसका काम क्या होगा, लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको किस तरीके से लिटरेसी होनी चाहिए, न्याय का आप कैसे अपना सदुपयोग कर सकते हो, अगर आपके खिलाफ ये हो रहा है तो आप मतलब कोर्ट में जा सकते हो, अवेयरनेस हुआ इसके से सोशल जस्टिस के जो पॉइंट हुए रिट वगैरह इन सब के बारे में लोगों को अवेयर है वो भी करवाया जाता था। तो ये नालसा के बारे में कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होते हैं। देखो इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं वो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो तो होते हैं इसके एग्जीक्यूटिव जज, या एग्जीक्यूटिव आप बोल सकते हो चेयरपर्सन। और हम बात करें पैटर्न इन चीफ, पैटर्न इन चीफ का मतलब ये है कि जो इसको थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको कंजर्व संरक्षण वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, वो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो तो होते हैं इसके पैटर्न इन चीफ, और जो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं या एग्जीक्यूटिव चीफ होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। इसके साथ ही नालसा है वो स्टेट के साथ, जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उनके साथ मिलकर काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के साथ भी मिलकर काम करती है, उनको भी जो भी इंफॉर्मेशन है उनको सपोर्ट वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आया है वो आया है एक आरबीआई के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट की बात है वो की जा रही है। तो देखो सर्वे का नाम ध्यान रखना है, सर्वे का नाम है सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिटेट ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कि हमारे देश में जो इंडिविजुअल पर्सन है, सोसाइटी है, वो जो पेमेंट करने का जो मेथड यूज़ करें, देखो बेसिक से एग्जांपल लो, जैसे हम मार्केट जाते हैं और हम मार्केट में जो भी हमें पेटीएम वगैरह से पेमेंट करते हैं या फिर कार्ड स्वाइप करवाते हैं, जिस भी तरीके से मतलब पेमेंट करते हैं संस्था को या जो भी मदर डेयरी या कोई भी बूथ वगैरह हो, तो वहाँ पे जो पेमेंट हम कर रहे हैं उस मेथड को बेसिकली आरबीआई यहाँ पे ट्रैक करने के लिए सर्वे के तहत देख रही है कि लोग कौन से पेमेंट मेथड को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एक तरीके से सर्वे करवाया जा रहा है ताकि पता चले कि डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो किस कैसा क्रिएट हुआ है, उसमें क्या क्या कमी है, इसके लिए आरबीआई ने ये सर्वे कंडक्ट करवाने की बात है वो की है। तो यह एक प्राइवेट कंपनी कंसल्टेंसी कंपनी है जिसका नाम है सिग्मा रिसर्च एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ आरबीआई इंगेज होकर आ रही है और वो ये सर्वे है वो करवा रही है फील्ड वर्क में। तो इसमें लगभग 6,000 इंडिविजुअल पर्सन को जो कि सोसाइटी के अलग अलग तबकों में रहते हैं उनको मिला के सर्वे किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि भाई जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा हुआ है, डिजिटल पेमेंट के प्रोडक्ट कैसे हैं, कहाँ कहाँ क्या कमी है, लोगों के बीच में अवेयरनेस कैसी है, इसके साथ अवेयरनेस के प्रोग्राम भी
चलाई जाएंगी। तो यह इसलिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये पूरे देश में नहीं चलाया जाएगा, ये बेसिकली चलाया जाएगा देश की मेन मेन सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और गुवाहाटी। तो ये तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, बस हम थोड़ा फोटो मटेरियल के तौर पर इसका कहीं यूज़ कर सकते हैं कि सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिटेट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि SRPHI है, वो RBI के द्वारा एक सर्वे स्टार्ट किया जा रहा है। डिजिटल जो पेमेंट हम यूज़ कर रहे हैं मार्केट में, जो इंडिविजुअल पर्सनस हैं वो किस तरीके का पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, उन सबको देखने के लिए कि भाई कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन को लेके। कंटेक्स्ट यह है कि जापान ने अभी अनाउंस किया, घोषणा किया कि भाई वो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से विड्रॉ है वो कर रहा है। क्यों? उसका रीजन यह है कि जापान ने इंटरनेशनल जो व्हेलिंग कमीशन है इससे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप हमें जो हमारा जोन है उसमें तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत कॉमर्शियल व्हेलिंग है उसका व्हेल का शिकार वगैरह करने की अनुमति दीजिए, बट इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने उनको अनुमति नहीं दी, इसलिए जापान ने विड्रॉ है वो कर लिया है। तो मतलब अब क्या है कि जापान है वो कॉमर्शियल जो व्हेलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं व्हेल को शिकार वगैरह करने के लिए वो अभी एक्टिव है वो कर देगा। तो जुलाई से बेसिकली जो एग्रीमेंट हम बात करें कि जो व्हेलिंग कमीशन है वो अलग हो जाएगा इससे जापान, और जुलाई से वो शिकार वगैरह करना शुरू कर देगा। देखो जो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है वो साइन हुआ था 2 दिसंबर 1996, सो 2 दिसंबर 1946 को, तो ये ध्यान रखना 1946 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन बना था। इसका काम ये था कि जो ओलो रोड में, जो समुद्र में, उसी में जो व्हेल पाई जाती हैं इनको कंजर्व करना, क्योंकि देखो व्हेल का शिकार काफ़ी रेपिडली किया जा रहा था, तो व्हेल का जो स्टॉक था वो खत्म होता जा रहा था, तो इसको एक तरीके से इनका डेवलपमेंट भी हो सके और शिकार इस तरीके से किया जाए ताकि इनकी आबादी वो लुप्त ना हो जाए, इसके लिए बनाया गया था इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है संवाद विद स्टूडेंट्स। देखो ये संवाद जो प्रोग्राम है ये इसरो का एक प्रोग्राम है, ध्यान रखना है कि संवाद प्रोग्राम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो का एक प्रोग्राम है जो कि क्या काम करता है, मतलब स्टूडेंट के बीच में कोलेब्रेशन का काम करता है। इसमें होता क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं वो स्टूडेंट से आके कम्युनिकेट करते हैं, लिंकेज करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को इसरो के बारे में, हम एक तरीके से कहें कि स्पेस जो प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में अवेयर किया जा सके, मोटिवेट है वो किया जा सके, इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया है। तो इसरो का जो ये आउटरीच प्रोग्राम है इसका मोटिव यही है कि जो यंग यूथ है इसको मोटिवेट किया जा सके और उनके साइंटिफिक पोटेंशियल है इसको मतलब बाहर खंगाला जा सके, इसके लिए ये प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। तो अभी कंटेक्स्ट ये है कि इसरो के चेयरपर्सन है, उन्होंने लोगों के साथ, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट की एक तरीके से, और वहाँ पे जो रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, चंद्रयान, इनके बारे में उनको बताया, अवेयर है वो किया था। तो उसको लेकर संवाद है, तो UPSC पूछ सकती है संवाद के बारे में कि इसका ध्यान रखना कि इसरो का एक प्रोग्राम है जिसमें यूथ के साथ कम्युनिकेट है वो लिंकेज है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो छोटा सा लास्ट ईयर का ही करंट अफेयर है, तो इसको हम रिवीजन के बेसिस पे यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए हैं इंडिया में, तो उनको हम एक बार यहाँ पे मोटा मोटा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो देखो गवर्नमेंट ने स्टेप ही लिया था अमेंडमेंट टू RTI एक्ट, अमेंडमेंट टू RTI मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट क्या किया था, देखो RTI एक्ट में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ये किया था कि जो भी स्कूलों में टीचर्स है ना इनके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होना जरूरी है, मतलब अगर टीचर के पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो बच्चों का हक पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन का यहाँ पे जिक्र है वो किया था, तो वो था अमेंडमेंट ऑफ RTI एक्ट, तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही आया था इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, समग्र शिक्षा सर्व अभियान यानी SSA इसको ऐड किया गया इसमें, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को ऐड किया गया, और टीचर्स एजुकेशन, मतलब ये तीन प्रोग्राम थे, एक तो था सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरा था टीचर्स एजुकेशन, इन तीनों को मिला के बनाया गया था इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, ताकि सभी जो स्कीम्स हैं इनको मर्ज करके एक ही मोटो रखा जा सके कि भाई स्कूल को जो एजुकेशन के जो भी स्कीम है इनको एक साथ मर्ज कर दिया जाए। तीसरा था यहाँ पे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का मेन मोटिव यह था कि जो स्कूलों में 6 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं ना इसमें नए मतलब आविष्कार करने के लिए, नई डिस्कवरी करने के लिए इनमें टैलेंट है उसको डिस्कवर करना। इसके बाद में था ई पाठशाला, ई पाठशाला को एक पोर्टल है जहाँ पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसपे जो बुक्स वगैरह हैं या ऑडियो लेक्चर्स वगैरह हैं वो सारा कंटेंट यहाँ पे मिलता है। और स्वयं जो पोर्टल है ये क्या है, स्वयं पोर्टल में ऑनलाइन कोर्सेज है, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज बनाए गए हैं, जिस तरीके से हम यूट्यूब वगैरह पे ऑनलाइन कोर्सेज देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज जनरेट किए गए हैं अलग NCERT वगैरह के और भी अलग अलग टॉपिक्स के जो कि स्टूडेंट हैं उनका यूज कर सकते हैं।
देश के किसी भी कोने या हम बोल सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने से स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ था स्वयं प्रभा डीटीएस टीवी। स्वयं प्रभा डीटीएस टीवी में क्या था कि टीवी चैनल है वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो चलाए जाएंगे, मतलब टीवी के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज हैं, डीटीएस सर्विस के ऊपर वो चैनल प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दीक्षा पोर्टल इसलिए है ताकि टीचर्स हैं इनकी ट्रेनिंग है इनकी स्किल है इसको इम्प्रूव किया जा सके, टीचर्स है वो अपने आप की ट्रेनिंग है उसको गेट प्राप्त है वो कर सकें, इसके लिए था दीक्षा पोर्टल। तो ये पांच हमें सारे इनिशिएटिव हम यहाँ पे ध्यान रखने हैं, साथ के साथ इनिशिएटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखो आज के दो क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन से। क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। दूसरा है कि वे लिच्छवी कुल से संबंधित थे और कुशीनारा में उनका निधन हुआ था। ऑप्शन आपके सामने ओनली ए, ओनली बी, वन टू और नन। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने कि अर्थशास्त्र का संकलन है वो क्या था, विष्णुगुप्त ने। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कि मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो सेल्यूकस का राजदूत था। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों में से, सॉरी इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली ए, ओनली बी, वन टू और नन ऑफ दिस। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, बस एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया, नगर प्रोटोकॉल, कार्टिजना प्रोटोकॉल आदि टारगेट्स के बारे में हमने देखा। इसके साथ ही हमने आरबीआई के द्वारा जो लोन को रिस्ट्रक्चर करने की बात थी एमएसएमई सेक्टर के बारे में वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसी के साथ हमने नालसा के बारे में जाना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में, और हमने यहाँ पे देखा कि इसके चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं। इसी के साथ हमने आरबीआई के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है कि जो रिटेल में पेमेंट मेथड किस तरीके के यूज किए जा रहे हैं उनको लेके उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और हमने जो एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं जैसे कि आरटीआई में अमेंडमेंट किया गया था, इसके साथ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन लाया गया था, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान हुआ, ई पाठशाला हुआ, स्वयं पोर्टल हुआ, स्वयं प्रभा डीटीएस टीवी पोर्टल हुआ था, और इसके साथ दीक्षा पोर्टल हुआ, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसी के साथ हमने इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के बारे में जाना कि जापान इससे विड्रॉ है वो कर रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। तो फिलहाल इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।